गुजरात से इस वक्त आज की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां, हार्दिक पटेल ने दिया कांग्रेस से इस्तीफा। देश में कौन नेता न जाने कब किस पार्टी का हाथ थाम ले, किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन नेताओं के ऐसे फैसलों से नुकसान तो सिर्फ देश की आम जनता का ही होता है। आपको बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बुधवार को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने पार्टी छोड़ दी है। जी हां, हार्दिक पटेल हाल ही में राज्य के कांग्रेस नेताओं की आलोचना करने के साथ चर्चा में आए। उन्होंने कांग्रेस के कुछ नेताओं पर परेशान करने का आरोप भी लगाया। पटेल ने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी से कई बार शिकायत करने के बावजूद इन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हार्दिक पटेल का यह इस्तीफा बीजेपी के चिंतन शिविर के 2 दिन बाद हुआ है। हार्दिक पटेल ने एक पन्ने का इस्तीफा ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम के बारे में भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगा। हार्दिक पटेल गुजरात की जनता के लिए कितना सकारात्मक काम करेंगे यह तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि गुजरात की जनता के साथ जरूर कोई बड़ा धोखा हुआ है, जिसका बदला गुजरात की जनता कैसे लेगी यह तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। फिलहाल आप हार्दिक पटेल के कांग्रेस छोड़ने के फैसले को क्या समझते हैं, इस पर क्या राय रखते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित आवाज, दिल्ली।